मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आ सकती हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? एक बार वो काम पूरा हो जाए। मेरा हाथ पकड़ के चलिए, डर नहीं लगे। आंटी की मौत का जिम्मेदार आपको कैसे ठहरा सकते? इसे मेरे सामने मत आने। मैं तुम्हारी किस्मत बदल कर जो मैं कहूँगा वो कर। इस हमारे फेवर में है। अपना बनाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी भूल। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज के बाद इस कमरे की देखभाल मैं करूंगा। चैतन्य बेटा, बेटा आपके अंकल आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइंदा से तुम मुझे इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। I love you, Ridhima. I love you too, Mohit. मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आ सकती हूँ। पता है? मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि रिधिमा मोहित की दीवानी है। That's so sweet. Thank you so much. वैसे ये घर किसका है? Well, ये घर मेरे एक दोस्त का है। मैंने सोचा मेरा एक special occasion है तो तुम्हारे साथ कुछ मीठे पल बिताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? एक लड़के के चक्कर में। क्या मतलब? अरे भोंदू, तुम तो जानते हो आजकल मॉम्स कैसी होती है। जहाँ उन्हें ठीक ठाक लड़का दिख गया बस उन्हें उसमें अपना दामाद दिखने लग जाता है। कौन है वो लड़का? पापा के फ्रेंड का बेटा है और आजकल हमारे साथ ही रह रहा है। और मॉम और नानी जी दोनों मैच मेकिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अभी मुझे उसी के साथ भेजा हुआ था बाहर घूमने के लिए। तो तुम यहाँ? जहाँ चाह होगी वही राह भी होगी। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, हो सकता है वहाँ। अब लो यहाँ भी नहीं निकली अब। लेकिन कहाँ जा सकती है? हो मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गई। क्या आपकी आवाज? अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस आवाज को दोबारा मत घुमा दीजिएगा। तो जनाब जल्दी से मेरे घर आकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। ये वक्त ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरा एक बहुत जरूरी काम अटका पड़ा है। एक बार वो काम पूरा हो जाए फिर तुम देखो तुम्हारी और मेरी शादी की शहनाई बजेगी। क्यों ना हम भी चलें लहरों में भीगे? नहीं, मुझे लहरों से डर लगता है। लहरों से डर लगता है? मैं आपके साथ हूँ ना, मेरा हाथ पकड़ के चलिए, डर नहीं लगेगा। आई हाँ।
बता बेटा, कैसा चल रहा है? मैं चैतन्य के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपने क्यों फोन किया? अरे ये सब तेरे मुंह से सुनना चाहती थी इसलिए फोन किया। अच्छा सुन, चैतन्य से बात करा। मॉम, वो तो मेरे लिए बुताल आने के लिए गया हुआ है। अच्छा बता, वो कहाँ है? वो जब से यहाँ आया ना, एक कोने में कहीं बैठी हुई है। मॉम सच बताओ, चैतन्य ने उसे एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। जी मॉम, बाय बाय। पर जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ होता है, तो अंकल आंटी की मौत का जिम्मेदार आपको कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं रुको, तुम अपने आप को किसी बात का दोष मत दो। अच्छा टेल, माना अंकल ने दुख में डूबकर तुमसे दूरियां बना ली, पर क्या तुमने उनके करीब जाने की कभी कोशिश की? कोशिश तो बहुत की, लेकिन पापा चाय लो ना। पापा माया, माया, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी चाय से बद्री काका लेकर आएंगे, समझी? पापा मेरी उंगली। बद्री काका। जी मालिक। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आप इसे यहां से ले जाइए। इतनी सी कोशिश, वो भी बचपन में, कमाल। जी नहीं, मेरी कोशिशें कभी कम नहीं हुई, पर हमेशा नाकाम ही रही। और फिर धीरे धीरे मैंने इस दूरी को स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कर लिया कि मेरी जिंदगी में मां की गोद और पापा का प्यार लिखा ही नहीं। मैं तुम्हारी किस्मत बदल के रख दूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार जरूर मिलेगा अनुपमा। बाप बेटी के बीच की ये दूरियां मैं खत्म करूंगा। हाँ अनुपमा। बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। वो रिद्धिमा, रिद्धिमा सीधा घर आ जाएगी, हम चलते हैं। लेकिन उसने स्पेशली कहा था कि हम उसके बगैर घर ना जाएं। हाँ मगर मैं घर नहीं गई तो माँ नाराज हो जाएंगी। चलिए ना, चलते हैं। ठीक। ओह माय गॉड, गाड़ी तो यहीं खड़ी थी, कहाँ चली गई? मोहित जल्दी से घर चलो, वो लोग यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुके हैं। मोहित जल्दी चलो, कहीं वो मुझसे पहले घर ना पहुंच जाए। What? मोहित अब क्या करूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। रिलैक्स मैम, पहुंच जाएंगे। ओके। अरे तुम लोग आ गए, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, और रिद्धिमा, रिद्धिमा कहाँ है? हाँ कहाँ है रिद्धिमा? वो रिद्धिमा, मॉम रिद्धिमा कहाँ थी बेटा? अब सारे सवाल यहाँ दरवाजे पर ही पूछोगे? और इतनी देर कैसे लग गई तुम लोगों को? मॉम हम सब बहुत थक गए हैं, इतनी धूप थी वहाँ। चैतन्य तो बहुत थक गए होंगे, है ना? आप रेस्ट कीजिए। हाँ यू कैन रेस्ट, अब जाइए, आप रेस्ट कीजिए। हाँ मॉम कम ऑन, सुबह बात करेंगे, अभी रात हो गई है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
गुड नाइट मम्मा जी, लव यू, गुड नाइट। रिधिमा उठना बेटा, मुझे बता वहां पे क्या क्या हुआ, बताना बेटा। मॉम सच कहूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। इसका मतलब है कि तुझे चैतन्य और चैतन्य को तो पसंद है। मॉम चैतन्य को मैं पसंद हूँ और मुझे वो। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि चैतन्य जैसा लड़का तेरी जिंदगी में आ गया। स्वेटर मेरे पापा पे कितना अच्छा लगेगा। क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूं कि ये स्वेटर तुमने अपने पापा के लिए बनाया है ना। इतने सारे स्वेटर बनाए तो उन्हें दे क्यों नहीं देती? शायद पापा मेरे हाथ का बुना ना पहने। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर तुम्हारे पापा तो एक इंसान है। तो बस डिसाइडेड, तुम ये कोशिश जरूर करोगे और जो मैं कहूंगा वो करोगे। डन, ये हुई ना बात। अब देखो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए क्या करता है। बाय। क्या सचमुच मेरे पापा मेरे हाथ का बुना स्वेटर पहनेंगे? क्या सच में ऐसा होगा? जी पंडित जी, आप कल तक भूमि पूजन के लिए शुभ दिन और शुभ समय दोनों बता दीजिए और इसके लिए क्या क्या करना है ये भी बता दीजिए। इसे चाय लाने की इजाजत किसने दी? बढ़ सकती है पर कम नहीं हो सकती। अभी वो मैं सोच रही थी तुम एक बार जूही को मिल लेते तो एक दूसरे को देख लो, पसंद कर लो। और शुभ काम में तो देर करनी ही नहीं चाहिए। मॉम बोल। हेलो। क्या पर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? डैड, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? बेटा, हम अपने गांव की पुश्तैनी जमीन खो चुके हैं। क्या? लेकिन डैड, 100 एकड़ जमीन का तो केस चल रहा था ना? हाँ, लेकिन अब हम केस हार चुके हैं और हम कोई अपील भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लॉयर ने तो कहा था कि केस हमारे फेवर में है। फेवर में था लेकिन अब हम केस हार चुके हैं। वैसे वीना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
वेद के एक्सीडेंट का दोषी तो आपने अनुपमा को ठहराया था, अब इस इतने बड़े नुकसान का दोषी आप किसे ठहराएंगे? जूही को? नहीं, लेकिन आप उसे दोषी कैसे ठहरा सकती हैं? उसके तो 36 के 36 गुण वेद के साथ मेल खा रहे हैं ना। अभी तो सिर्फ रिश्ता जुड़ने की बात हुई है तब इतना बड़ा नुकसान हुआ है, न जाने रिश्ता जुड़ने के बाद क्या होगा। वैसे वीना जी, अब सोचने वाली बात यह है कि आप क्या करेंगे? इस शादी से भी इंकार कर देंगे? मेरे ख्याल से आपको इंकार कर देना चाहिए और वेद के लिए एक और शुभ लड़की आपको ढूंढनी चाहिए। अच्छा अंकल, आप यहां मिल गए। कल मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था। बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपने लिए शॉपिंग करने गया था अंकल, तो वहां कुछ अच्छे स्वेटर दिखे तो मैंने आपके लिए एक ले लिया। अंकल एक बार प्लीज पहन के दिखाइए ना। मेरे खाते प्लीज। पापा, ये आपकी बेटी ने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। इसके हर धागे में आपकी बेटी ने अपना प्यार बुना है। It's beautiful. वाह अंकल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खास किसी ने आपके नाप से ही बनाया है। Perfect color. My favorite color is, you know that? Thank you, beta. बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। लगा है वही जमीन, वही आसमान, वही फिजा, वही हवा, पर सब कुछ अचानक बदल सा गया है। आज सब कुछ इतना खूबसूरत लगने लगा है। आज पापा ने मेरे हाथ का बना स्वेटर पहना। पापा, आज आपने मुझे जिंदगी की हर खुशी दे दी। हर खुशी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम मेरे लिए क्या हो यह मैं बता भी नहीं सकता अनुपमा। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अनुपमा, सगाई में नहीं कर सकता।
मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अनुपम, बहुत बड़ी भूल। और आज मैं उसी भूल को सुधारने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं अनुपम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अनुपम। और आज मैं उसी भूल को सुधारने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं अनुपम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अनुपम।